हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मिश्रा। आज आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक, नई चैप्टर के साथ थिंग्स अराउंड अस के संदर्भ में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चे, हम लोग इस बात को समझेंगे कि वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि कोई ना कोई सेंसिंग होता है। एवरी थिंग्स हैव द सेंसिंग बाय द नेचर्स बाय अस। द थिंग्स आर द चेंजिंग इन द पोजिशन। इस बात को आप समझें। कहता है क्या, ये हिंदी में एक और स्लोगन भी है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये चेंजिंग, ये परिवर्तन हमारे चारों तरफ किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। चेंजिंग, आप इस बात को समझें, जैसे नेचर के द्वारा दिन रात का होना, डे एंड नाइट। दिन है तो परिवर्तन होता है, चेंज हुआ एट द सेंस इन टू ए नाइट। छोटे से बच्चों को यदि बात किया, वो ग्रोथ करते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, उनकी हाइट में परिवर्तन होती है, उनकी वॉइस में परिवर्तन होती है, उनकी चलने की बात जो हम समझें, इनमें परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन आखिर किस प्रकार की परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, हम लोग इस चैप्टर के द्वारा, इस चैप्टर में चेंजिंग अराउंड अस के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आज इसके इंट्रोडक्शंस में चेंजिंग के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर द डिफरेंट्स द चेंजिंग, व्हाट इज अ चेंज, लेट अस नाउ द ट्राई एंड द डिफाइन द चेंज फॉर द पर्पस ऑफ द साइंस। वी कैन डिफाइन इट as an act by the in which a things form or the becomes different than its the previous self. That means हम लोग इसको define कर सकते हैं, it as an act by which a things is formed, या उस तरह की actions है, ये act है जिसके द्वारा कोई चीज वो form होता है, and become the different than it the previous self, और जो पहले से जो था उससे वो जो चीज होते हैं वो क्या होता है, परिवर्तन होते हैं, उनमें चेंजिंग होता है। फॉर इंस्टेंस, when ice is melt, it the change into water, therefore it the turn adds the form the solid to liquid। हम लोग इस बात को समझेंगे, देखेंगे कि यहां आइस की आप डायग्राम के माध्यम से इसे देखने की प्रयास करें। ये डायग्राम में मेरी कर्सर पहुंच रही है, एट इज अ ब्लॉक ऑफ द आइस। व्हेन द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द आइस, ये आइस जो है हीट को अब्सॉर्ब करता है बाय द नेचुरल वे, एंड एट द मेल्ट एंड द चेंज इन टू वाटर। ये क्या है भाई, यहां आपने देख रहे हैं कि जो आइस जो है वो चेंज कर गया, किस चीज में चेंज हुआ भाई, तो वाटर में परिवर्तन हुआ। देयरफॉर द टर्न द सॉलिड इनटू द लिक्विड, ये आइस ब्लॉक जो है वो क्या है भाई, तो ये सॉलिड स्टेट में है। हम लोग जानते हैं कि मैटर की थ्री स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां जो है ये जो है आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है, और जैसे ही हीट को इसने ऑब्जर्व किया, एट द चेंज इनटू वाटर। नाउ हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द चेंजिंग। ये चेंज की कितने प्रकार हैं, देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ द चेंजेस। द सम आर द स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज।
There are the different type of the changing in a nature. The change, therefore, is a phenomenon. And these and object may become the difference at the shape, size and at the position. वो प्रीवियस से क्या है, उसकी शेप में परिवर्तन होगी, उसकी साइज में परिवर्तन हो गया, उसकी पोजीशन में परिवर्तन हो गया। तो हम लोगों ने देखा क्या अर्थ भी हमारे क्या है भाई, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है वन प्लेस से टू अनदर, वो उसमें रेवोल्यूशंस होते हैं, वो रोटेशंस होते हैं। एंड इट्स द कंपोजिशन टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग दैट अकर्स अराउंड अस। ये जो चेंजिंग है, जो हमारे चारों तरफ में जो परिवर्तन होता है, वी अटेंड द क्लासिफाई, हम लोग उस जो हमारे चारों तरफ की जो चेंजिंग है उसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया, उसको क्लासिफाइड किया इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरीज इज द स्लो एंड द फास्ट चेंज, सेकेंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फिजिकल एंड केमिकल। यहां हम लोगों ने स्लो एंड फास्ट चेंजेस को पढ़ेंगे। तो सम चेंजेस यहां आप इसको देखेंगे ग्राफ के माध्यम से, दी सम चेंजेस फिजिकल चेंजेस एंड अ केमिकल चेंज, स्लो चेंज एंड द फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज, देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ द चेंजेस। नाउ द फर्स्ट, इसको समझने के लिए हम लोग इन्हें एक एक्टिविटीज करेंगे, इस एक्टिविटीज के द्वारा हम लोग क्लियर करेंगे कि स्लो चेंज आखिर ये है तो क्यों है। स्लो इसका मतलब ही होता है कि धीरे, उसमें क्या है द टाइम ड्यूरेशन क्या है उसमें ज्यादा लगता है, फास्ट चेंज होगा तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ द टाइम क्या होगा, लेस होगा, जल्दी हो जाएगा, तो फास्ट चेंज है। यहां हम लोग स्लो चेंज के बाद को बताने के लिए एक एक्टिविटीज को करेंगे। कहता है एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कर्ड इनटू योर बॉयल्स ल्यूक वार्म मिल्क, गुनगुना मिल्क जो है, ये मिल्क आप देख रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने स्मॉल अमाउंट में कर्ड डालेंगे, दही को डाल देंगे। द बैक्टीरिया दैट आर दी ऑलरेडी द प्रेजेंट इन द कर्ड, और उस कर्ड में क्या है भाई, हम लोग इसको जानकारी करेंगे कि इस कर्ड में लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया जो है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, उस कड में पाया ही जाता है, ऑलरेडी उसमें होता है, दैट कन्वर्ट द होल मिल्क इनटू द कड। वो क्या होता है कि पूरी कड मिल्क को वो कड में चेंज कर देता है, टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू द कड। इट द टेक्स अ फ्यू आवर टू द कन्वर्ट ऑफ द मिल्क इनटू द कड। ये मिल्क को कड में बनने में हम लोग देखते हैं कि घर में ही हम लोग इसको एक्टिविटीज को समझेंगे, माँ ने दूध को गर्म किया, फिर से गुनगुना, उसको हल्का सा गर्म रखने के बाद में ऐड करती है, उसमें सब दही को डाल देती है, उस दही में क्या है भाई, तो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है, और उस लैक्टोबैसिलस जो है वो चेंज कर देता है मिल्क को, कड में परिवर्तन करता है, और इसके लिए ड्यूरेशन ऑफ द टाइम आपका ज्यादा लग जाता है। So, it is called the slow change. Slow change. Now, the fast change. जिसमें क्या है भाई, short duration of the time. इसमें बहुत ही कम समय लगता है, इसको भी activities के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहां भी क्या है भाई, तो boil milk है, और boil milk में आप देख रहे हैं या lemon रखा हुआ है, lemon को निचोड़ा गया, उसकी जूस को निकाला गया और दूध में डाल दिया गया, क्या होता है वो तुरंत ही कहते हैं ना कि दूध फट जाता है। आइए इसके लिए कैसे हम लोग करेंगे, इस एक्टिविटीज को हम लोग दोहराते हैं। व्हाइल द सम मिल्क एंड ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द लेमन जूस टू ईट, कहते बॉइल कर लिया गया दूध को और उसमें थोड़ी सी आप लेमन जूस को डाल दिया, द मिल्क विल टर्न इनटू द कडली सब्सटेंसेस, वो क्या है दही की तरह वो क्या होता है कडली सब्सटेंस के रूप में आ जाता है, दैट इज अ चीज, वो क्या है भाई, तो आपने पनीर खाते हैं, आप देख रहे हैं ये पनीर की तरह, उसमें क्या होगा कि वह कड़ी सब्सटेंस के रूप में वो आ जाएगा।
The time required for these the changes is very small. आप हमने पहले ही बताया है कि the changes in which the short duration of the changing होने में उसको क्या है short duration of the time, a small time में वो क्या होता है वो change हो जाता है, इसलिए क्या है fast change है. Another example भी हमने बताएंगे आपको कि आप पेपर लीजिए और उसको माचिस जला दीजिए तो माचिस से क्या होता है तुरंत ही वो जल जाता है, तो ये क्या है फास्ट चेंज है. इन अदर वर्ड्स द चेंज ऑफ द मिल्क इनटू द सीज इज अ फास्ट चेंज. देयर आर द वेरियस क्वेश्चन इन इट, आपको बताएगा कि फास्ट चेंज को आप डिफाइन करें तो आप बताएंगे द चेंज इन अ विज द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम दैट इज द नोन एज द फास्ट चेंज. एग्जाम्पल पूछेगा, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द फास्ट चेंज, आप बता सकते हो कि मिल्क टर्न इनटू द सीज is a good example of the fast change. But milk change into the curd, इसमें आपको time duration क्या लगेगा तो ज्यादा लगेगा, चीज बनने से वो क्या है उसमें duration of the time ज्यादा लगेगा, इसलिए वो slow change है. इसको हम लोगों ने difference भी करके हम लोग इसको समझने की प्रयास करेंगे. Now the difference between the slow and the fast change, यहां आप देखें कि slow change दिया गया है और इस साइड्स में फास्ट चेंज दिया गया है, तो इसको भी हम लोग समझें कि आप डायग्राम के द्वारा समझने की प्रयास करें. सीड था वो क्या हुआ भाई, स्प्राउट निकला, उससे स्प्राउट वो ग्रो करने लगा धीरे धीरे और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और उसके बाद में प्लांट का रूप लिया, तो स्प्राउट से चेंज होने में उसको प्लांट पूरी बनने में उसका ड्यूरेशन क्या है तो ज्यादा ड्यूरेशन लगा, इसलिए यह चेंज जो है स्लो चेंज है. Now, the first change को हम लोग डायग्राम को पहले समझें, तो यहां आप देख रहे कि बल्ब है और जैसे ही हमने स्विच को ऑन करते हैं ऑन पोजीशन पे लाते हैं बल्ब इज अ ग्लोइंग, तो ये बल्ब को ग्लो करने में आपका ड्यूरेशन ऑफ द टाइम क्या लगा भाई तो बिल्कुल ही कम समय लगा, स्मॉल समय लगा, वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम में वो क्या होता है वो ग्लो कर जाता है. नाउ द चेंजेस दैट द टेक प्लेस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मैंने कहा कि लंबा समय लेता है ऑफ द टाइम इज कॉल्ड अ स्लो चेंज, बट द चेंजेस दैट द टेक प्लेस क्विकली और इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन इज कॉल्ड द फास्ट चेंज. उम्मीद है कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा. द सम एग्जाम्पल ऑफ द स्लो चेंज आर द चेंजेज ऑफ द सीजन, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, rusting of iron, that is the good example of the slow change. Fast change, the good example burning of the paper, मैंने बताया भी आपको, lightening of the bulb, cutting on apple, आप apple लीजिए और आप knife से उसको काटिए तुरंत ही वो कट जाता है, that is a fast change. Thank you to all.